अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मलिक असमतुल्ला और आप देख रहे हैं असमत लाइफ स्टाइल चैनल। आपको आज मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे कि अगर हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं उसका टाइटल किस तरह बनाना है, यानी कि कौन सा ज़्यादा यानी कि वायरल हो रहा है वो हम एक सीखेंगे, और दूसरा हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन सी वीडियो ज़्यादा यूज़ हो रही है जो यूट्यूब पर ज़्यादा लोग देख रहे हैं। आज मैं ये तीन चीज़ें आपको दिखाता हूँ और किस तरह कौन सा टाइटल किस तरह आपने वीडियो में ऐड करके लेकिन है जिस चीज़ के बारे में भी है, तो आपको मज़ीद इस चीज़ में समझ आ जाएगी कि किस तरह करना है। आप जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उस और फिर आप वीडियो अपलोड करेंगे और किस चीज़ के बारे में आपने बनाना है सारा कुछ आपको मैं बताता हूँ। तो अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अच्छा, तो जैसे कि मैंने कहा है, लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके आपको दिखाता हूँ। अब ये है मेरा चैनल, ठीक है। आपको यहाँ हर किस्म की वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, पॉइंट वाली बात ये होती है, हम अगर कोई व्लॉग अपलोड करें, जैसे कि मैंने यूट्यूब के बारे में अपलोड किया हुआ है, तो मुझे अब चीज़ चाहिए यानी कि जो ज़्यादा यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं और सर्च कर रहे हैं ये चीज़, या व्यूज़ ज़्यादा यानी कि बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं, आप आएंगे पहले सर्च के अंदर, ठीक है। आपको मोबाइल के भी बताऊंगा और यूट्यूब के भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ है। अब यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला ले लेते हैं, यूट्यूब सर्च से व्यू कैसे बनाएं, ठीक है। ये चीज़ आई हुई है, ठीक है। अब ये चीज़ आपने देखनी है कि इस पे कैसे व्यू ज़्यादा आ रहे हैं, कौन सी वीडियो किस टाइम यानी कि यूज़ करनी चाहिए, इसके बारे में ये बताओ। आपने सबसे पहले आना है इस चीज़ पे, फ़िल्टर, ठीक है। असल में आप मोबाइल पे ओपन करोगे तो सर्च के बिल्कुल साथ होगा फ़िल्टर वाला, तीन ऑप्शन होंगे डॉट से, और अगर लैपटॉप की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो ये वाली चीज़ है आपके सामने, इसी तरह शो हो जाएगा। तो वहाँ आपने क्या करना है, वहाँ आपने टाइप्स लिखना है यानी कि वीडियो, ठीक है। और वहाँ तो काफ़ी साथ में होता है, यहाँ इन्होंने इश्यू बनाए हुए। उसके बाद आप देखेंगे व्यू कैंट, ठीक है। व्यू कैंट्स के अंदर ये चीज़ आपने देखनी है यानी कि व्यू किसके कितने से, आप ये देख रहे हैं 7 मिलियन, 11 मिलियन, 6 मिलियन, ठीक है, ये चीज़। दूसरा आपने ये चीज़ देखनी है, लास्ट आवर्स, टू डे, दिस वीक, द मंथ, द ईयर, आपने कर देना है दिस वीक, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली, जो सबसे ज़्यादा व्यू आ रहे हैं वो कौन सी है। अच्छा, अब इसके बारे में ये बंदा बता रहा है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, हाउ टू इंक्रेस सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब चैनल, ठीक है। 10 से 20 व्यू कैसे आए। अब ये चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ आप यहाँ देख, अब आपने यूट्यूब के बारे में वीडियो बनानी है और आपने दिखाना है कि यार ये चीज़ है इस तरह है, इनके वीडियो वायरल हो रही है, तो उसके हिसाब से आपने यही काम करना है। अब आपने ये देखना, इसने टाइटल लिखा यूट्यूब पर व्यू कैसे लें, व्यू कैसे लें वीडियो पर, ए के एडिकेट, ठीक है। अब इसी तरह आपने ये चीज़ कर देनी है, इसमें से कोई वीडियो भी ओपन कर लेनी। अगर आपका मसलन किचन का कुकिंग वाला चैनल है, या आपकी गेम वाला है, या मूवीज़ वाला है, या व्लॉग्स वाला है, जो चीज़ भी वाले वो आप यहाँ सर्च करेंगे, सेम उसी तरह फ़िल्टर ओपन करेंगे और वीडियो को ओपन, मैं इसी वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। इस चीज़ नेस्ले के से अंदर आपने रिलैक्स क्या आशे करना है है, ना, इसका नेस्ले से जो रिलैक्स आशे है ना, टाइटल है जब मेरे ये बच आप देखना है, ये किस तरह इसने टाइटल बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो देखनी है किस तरह है। ये सारी चीज़ देख के आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके फिर जो आपने व्लॉग अपलोड करना है यूट्यूब पे चैनल, उसको सबसे मेन पॉइंट है आप क्रोम से करें, यूट्यूब से तो उसे बेशक करें नहीं, ठीक है। और जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया है, ये बात मैं यहाँ काट रहा हूँ अंदर, कि यूट्यूब के अंदर मेरी वीडियो वायरल यानी कि और लोग भी कॉपी करके लगा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो असमत लाइफस्टाइल जो चैनल है मेरा मेन, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और वहाँ आने वाली नई वीडियो देखें। अच्छा, क्रोम से आप वीडियो अपलोड करें, उसकी रीज़न ये है कि यूट्यूब से जब भी आप करेंगे कॉपीराइट का इशू आएगा, डीमोनिटाइज होने का इशू आएगा, ये चीज़ें जो है ये अंदर आती जाएंगी, ठीक है। और यह मेरा मेन चैनल है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो भी इसी तरह यानी कि नाम देखा है। आप जो भी टाइटल होगा उस टाइटल के इसी तरह अपलोड करें, ठीक है, इसके ऊपर। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखना कि यार उसके अंदर फ़र्क रखना है आपने, ठीक
ठीक है। अब वो उस बंदे का यानी कि टाइटल जिस तरह था, मैं अपना बता देता हूँ, चलें और उनको ना लें। अब यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू कॉपीराइट इशू क्लेम 2 मिनट्स में, ठीक है। कॉपीराइट इशू क्लेम, तो आपने इसको कॉपी करके किस तरह लिख देना, हाउ टू कॉपीराइट क्लेम इशू ओनली 3 मिनट्स या 4 मिनट्स, ठीक है। कॉपीराइट इश्यूज क्लेम ऐसे निकाल लें इस तरह, ताकि आपका कॉपीराइट भी ना हो और आपकी वीडियो जो है वो वायरल भी हो जाए, ठीक है। ये इस तरह है। तो आपके चैनल का कोई इशू है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरी आईडी आई हुई है, ठीक है। आप मैसेज करें, मुझे बताएं आपका जो इशू आ रहा है, मैं आपका क्लेम कर दूंगा किसी किस्म का भी हो। तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो भी आपको काफ़ी अच्छा यानी कि होगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर ये चीज़ मैंने बतानी है कि चैनल जो है मोनेटाइज किस तरीके से होता है, और डीमोनेटाइज और क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है मोनेटाइज में। तो इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपको साथ साथ मैं दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहें, ठीक है।